लालू के लाल तेज प्रताप यादव आज 30 साल के हो गए हैं। आज उनका जन्मदिन है और ऐसे में वो अपने परिवार के लोगों के साथ और कुछ आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ अपना ये जन्मदिन मनाएंगे। आपको बता दें, पिछले साल जब वो 29 साल के हुए थे, उन्होंने अपना जन्मदिन बड़े ही अलग अंदाज में मनाया था। वो पटना में ही एक महादलित बस्ती में गए थे और वहां जाकर दलित बच्चों के साथ उन्होंने केक काटा था और कहा था कि मुझे दलित बच्चों के साथ, महादलित बच्चों के साथ केक काटने में, खुशियां बांटने में बहुत ही आनंद आता है। और तब खास बात यह थी कि दो दिन बाद, उनके जन्मदिन के दो दिन बाद पिछले साल ही उनकी सगाई भी हुई थी। तेज प्रताप यादव के बारे में कहें कि थोड़े से इमैच्योर यहां पर हैं, उन्हें राजनीति में थोड़ा मैच्योर होने की जरूरत है। आपने देखा है कई बार तेज प्रताप यादव अपने अलग अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। कई बार वो कन्हैया बन जाते हैं, कई बार शिवजी बन जाते हैं, कई बार शिव के भक्त बन जाते हैं। और यहां तक कि लालू यादव के साथ जब उन्होंने पहले रैली भी की थी तो शंखनाद करके उन्होंने उस रैली की शुरुआत भी की थी। तेज प्रताप यादव इस बार इस चुनाव में अगर हम देखें तो परिवार के साथ उनका रिश्ता थोड़ा ठीक नहीं रहा है। शायद पॉलिटिकल मूव जो लालू यादव के परिवार का रहा है उसको लेकर तेज प्रताप कहीं ना कहीं नाराज दिखे और इनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली जितनी तेजस्वी यादव को मिली। इसको लेकर भी उनकी नाराजगी बात बात पर, जगह जगह पर दिखाई भी दी। आपको याद होगा, तेजस्वी यादव को तमाम इंपॉर्टेंस मिलने के बाद और तेज प्रताप यादव की कुछ मांगे नहीं माने जाने के बाद उन्होंने एक अलग पार्टी की भी घोषणा कर दी थी, लालू राबड़ी फ्रंट की घोषणा कर दी थी। फिर काफ़ी कवायद के बाद, इनको मनाने के बाद, रूठने मनाने का सिलसिला चला और फिर सामने आकर उन्होंने ये भी कह दिया कि नहीं, हमने ऐसी कोई घोषणा ही नहीं की है किसी तरीके की। कोई भी पार्टी हम अलग नहीं बनाएंगे, हम आरजेडी के साथ शुरुआत से जुड़े थे और आगे भी मरते दम तक आरजेडी के साथ ही जुड़े रहेंगे। लेकिन तेज प्रताप अपनी जिस तरीके की बातें बोलते हैं, हालांकि पर्सनल लाइफ भी उनकी देखें तो एक साल में ही उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं चली और अपनी पत्नी से उनका अलगाव भी हो गया। और अब जब वो 30वां जन्मदिन मना रहे हैं तो शायद वो भी यही उम्मीद करेंगे और लालू का परिवार भी यही उम्मीद करेगा कि पॉलिटिकली भी वो राइज करें और पर्सनल लाइफ में भी वो खुशहाल जीवन बिताएं। हमारे भी शुभकामनाएं तेज प्रताप के साथ हैं।